हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ निजदेव और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है डीजे लाइट एंड म्यूजिक ट्रिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जो प्रोग्राम चल रहा है वैसा ही सेम प्रोग्राम कैसे बनाए, तो इस जरूर आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो अपन कैसे बना सकते हैं पहले 2000 DMX कंट्रोलर। तो सबसे पहले DMX कंट्रोलर को करते हैं ऑन, उसके बाद करते हैं मास्टर को ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम दबाया, प्रोग्राम के बाद जैसे कि अपने पहले एक नंबर में प्रोग्राम बना दिया था, दो नंबर में भी प्रोग्राम बना दिया था, तीन नंबर में भी बना दिया था। अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज बनाते हैं अपन जो 4 नंबर प्रोग्राम, एडिट ओके, एडिट स्कैन ओके। उसके बाद अपन सेलेक्ट करेंगे अपनी 4 लाइट्स, 1 2 3 4, डीमर एंड शटर ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी शार्प चलो हो गई ऑन। अब अपन आते हैं शेप के अंदर, शेप में लेंगे अपन सर्कल वाला शेप, स्पीड वगैरह सब 0 0 0। उसके बाद अपन लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ले रहा हूं अपने एक्स स्केल 30 नंबर, स्पीड अपन ले लेते हैं 175 के आसपास। जैसा कि मैंने 180 के आसपास ली स्पीड, और वाई स्केल अपन बढ़ा के, अब ये थोड़ा अपन इसका एंगल ले लेते हैं अपन फ्रंट में, जो 4 डायरेक्शन बटन है उनसे अपन डायरेक्शन अपन ने ले ली फ्रंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब अपने अप डाउन राउंड में रनिंग हो रही है शार्पी। अब अपन ने 2 और 4 नंबर के सेलेक्ट किए शार्पी और उनका एंगल दिया अपन ने, जो टोटल एंगल है उसका हाफ एंगल, जैसे कि टोटल इसमें है शायद 350, तो अपन ने उसका हाफ किया है 175 के आसपास। तो देख सकते हो जैसे ही अपन ने 170 लिया है तो ये ऑटोमेटिक उसी एंगल उसी शेप के अंदर आ चुकी है। अब अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आप शेप और दे सकते हैं एक्स स्केल और वाई स्केल से। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए स्टोर 1 एडिट एंटर, ये अपना प्रोग्राम रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी से रिलेटेड और भी वीडियोज आने वाली है तो चैनल पर बने लें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।